नमस्ते किचन, मेरा नाम फरीहा है और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद फरीहा। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी उसका नाम है पोटैटो बॉल्स फिल्ड विद चिकन एंड चीज। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मेरे पास हैं पोटैटोस। ये तकरीबन मैंने दो आलू उबाल लिए थे और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 2 to 3 टेबल स्पून। ये मेरे पास चिकन है, ये चिकन का कीमा है और ये मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि आलू के हिसाब से मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना मतलब कीमा लिया है। मेरे पास हैं चीज़ स्लाइसेस हैं, आप लोग चाहें तो मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर। इसको बनाने के लिए मुझे फिलिंग की ज़रूरत है जो कि मैंने चिकन से करनी है और चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए इसको मुझे मैरिनेट करना है। मुझे तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है और इसकी मैरिनेशन के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इसको मैरिनेट करने के लिए मुझे चिकन चाहिए, चिकन का कीमा लिया है मैंने और मैंने लिया है 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 teaspoon मैंने लिया है, 1/4 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है, 1/4 teaspoon मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 teaspoon मैंने लिया है विनेगर। मैंने तकरीबन अ पिंच ऑफ आप कह लें मैंने चुटकी बराबर मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और 2 to 3 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। मैं बारी बारी ये सारी चीजें डाल के मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी। चिकन, विनेगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटी हुई मिर्च ली है। कुटी हुई मिर्च आप चाहें तो ले लें, अगर आपको लगे कि टेस्ट अच्छा आएगा तो आप ले लें, नहीं तो जरूरी नहीं भी है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको आप मैरिनेट कर लें। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसको अब मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। ओके व्यूअर्स, 1 घंटे के बाद मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया है, इसको मैं कुक करूंगी। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी, इसको तकरीबन मैं 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी। ओके व्यूवर्स, ये फ्राई हो चुकी है। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाला था। मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला और ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। ओके व्यूवर्स, मैंने अब एक खाली बॉल लिया, इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगी जो कि पोटैटो बॉल्स बनाने की अज्जा हैं, उन सबको मिक्स कर दूंगी। मैंने लिए पोटैटोस, आलू लिए थे मैंने 2 दरमियाने उबले हुए, कॉर्नफ्लोर 2 to 3 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट, इनको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके व्यूअर्स, तो अब मैंने मिक्सर तैयार है, मैंने चीज़ के स्लाइसेस को और छोटा कट कर लिया और ये मेरे पास चिकन है जो फ्राई हुई हुई है और ये पहले से कुछ बॉल्स मैंने तैयार किए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन बॉल्स को किस तरह बनाना है। आपने पहले हाथ में थोड़ा सा मिक्सर लेना है, ये थोड़ा सा भुरभुरा होगा, आपने परेशान नहीं होना। मैंने थोड़ा सा पानी साथ रखा है इसको हल्का सा नरम करने के लिए और आपने इस तरह लेके ना पहले इसका एक राउंड कर लेना, आपको उसका एक बॉल बना लेना। उसके बाद आपने राउंड करने के बाद आपने उसको अंगूठे की मदद से इस तरह बीच में होल कर देना है। कुछ इस तरह की शक्ल का हो जाएगा। इस तरह के मैंने तकरीबन 2 बना लेने हैं क्योंकि इसके ऊपर ही दूसरा वाला आएगा तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा। आपने थोड़ा सा और लेना है मिक्सचर और इसी तरह पानी लगा के इसको अच्छी तरह से
बॉल बना लेंगे और इसी तरह अंगूठे की मदद से इसको बीच में इसके सुराख कर लेना। ये कुछ इस तरह की शक्ल में हो जाएगा। अब आपने एक में चिकन को फिल कर देना है। और एक के अंदर चीज की स्लाइस को इस तरह से डाल देना और इनको आपस में आपने दोनों को जोड़ देना और फिर इसको कोशिश करना है कि ये आपस में जुड़ जाए अच्छी तरह। इसको प्रेस कर देना साइडों से, फिर आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह राउंड शेप दे देंगे। अच्छी तरह से इसको प्रेस करके दबा के इसको आपने राउंड शेप दे देनी है, तो ये बॉल बन जाएगी पोटैटो बॉल। ये देखिए ये बिल्कुल गोल हो गया है और बॉल की शेप में आ गया। अब बारी बारी मैं इन सबको बॉल की शेप दे दूंगी और इनके अंदर फिलिंग करती जाऊंगी ताकि ये पोटैटो बॉल्स बन जाए। तो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया और अब मैं इन सारी बॉल्स को बारी बारी इसमें फ्राई होने के लिए डालती जाऊंगी। मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। और मैंने इनको फ्राई करते के लिए इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई है, मैं इसको एज इट इज ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ही मैंने कॉर्नफ्लोर बीच में डाल दिया था। तो ये लें व्यूअर्स, हमारे पोटैटो बॉल्स फिल्ड विद चिकन एंड चीज रेडी हैं। और ये देखो ये इतने मजे के हैं, लग रहे हैं ये, आप ये देखें ये टूटते बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको बीच से कट करें और ये देखें ये बीच में इसके चीज है और ये है इसके चिकन। तो ये हमारे पोटैटो बॉल्स रेडी हैं।